दोस्तों, हम सभी अपने पौधों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन पौधों को प्यार के साथ थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि अगर हम थोड़ा सा भी पौधों पर ध्यान ना दें तो क्या होता है। हमें डेली अपने पौधों को चेक करना बहुत ज़रूरी है, और इतना टाइम होता नहीं है कि हम हर एक पौधे को एक साथ एक दिन में ही देख लें। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा हर एक दिन हमें एक एक पौधे पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा रेड रेजिना का प्लांट है जो काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ। इसके नीचे से जो पत्तियाँ थी बहुत सारी, वो गायब होती जा रही हैं। तो मुझे लग रहा था शायद ओवर वाटरिंग हो रही है, क्योंकि जब नीचे की पत्तियाँ इस तरह से ख़राब होती हैं तो हमें यही लगता है। और जब ये चीज़ लगातार हो रही थी तो आज मैं इस प्लांट को अच्छे से देख रही थी। ऊपर से इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि इस पर किसी भी तरह का कोई रोग होगा। लेकिन जैसे मैंने इसकी पत्तियों को पीछे से देखा तो इसकी पत्तियों पर बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ था, और जो पत्ती मैंने नीचे से कुछ हटाई उन पर तो बहुत ही ज़्यादा था। देखिए क्या हालत हो रही है इसकी। तो कभी कभी इस तरह से छुपे हुए होते हैं ये कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्लीन है पत्ती, पता ही नहीं चल रहा है कि पौधे पर किसी भी तरह का कोई कीड़ा हो सकता है। और जबकि मैं वीकली इनको साफ़ भी करती हूँ पत्तियों को, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा आ गया है। हर एक पत्ती पर थोड़ा थोड़ा है और कुछ पत्तियों पर तो बहुत ज़्यादा है। तो देखते ही बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। देखिए ये वाली पत्ती मैंने हटाई है, ये तो पूरी ही देखिए ऊपर से नीचे तक पूरी ही ख़राब हो रही थी। इसी तरह से इसकी पत्तियाँ नीचे से ख़राब होकर अपने आप ही झड़ती जा रही थी। तो अभी हम इसको अच्छे से पहले साफ़ करेंगे। तो साफ़ करने का बस एक ही तरीका है कि बस आप अच्छे से हाथ से और स्प्रे बोतल से इसको पानी से पूरे को धो डालिए। दोस्तों अगर अभी मैं इसी पर किसी भी तरह का कीटनाशक का स्प्रे करूँगी तो इतना अच्छा नहीं रहेगा और पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरह से इसको पानी से पूरा साफ़ करना पड़ेगा, और हाथ का भी हम यूज़ करें ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए, कहीं कोई कीड़ा ना बचे इस पूरे प्लांट पर। ये सबसे अच्छा तरीका है पौधे से कीड़ों को हटाने का। इसके बाद जब ये प्लांट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा उसके बाद हम इस पर नीम ऑयल से स्प्रे कर देंगे ताकि दोबारा इस पर कीड़ा ना लगे। तो बिल्कुल हमारा प्लांट बिल्कुल साफ़ रहेगा, दोबारा इस पर कीड़ा नहीं लगेगा, और अगर फिर भी लगता है तो फिर से यही काम करना पड़ेगा। तो पौधों को स्वस्थ रखने के लिए इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इंडोर प्लांट्स पर भी कभी कभी इसीलिए ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं कीड़े छुपे बैठे रहते हैं, मिट्टी में हों या फिर पत्तियों पर हों। तो थोड़ा सा पौधे के पास बैठें, उसको देखें और ध्यान दें कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हाथ से पूरे को साफ़ किया है मैंने। अब इस पर बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी एक भी कीड़ा नहीं है। इसकी ब्रांचेज़ वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी प्लांट हो, चाहे आपके कोई भी फूल वाला प्लांट हो या फिर इंडोर प्लांट हो, तो आप इसी तरह से करिए। तो देखिए अभी ये प्लांट बिल्कुल साफ़ हो गया है, कहीं भी इस पर किसी भी तरह का अब कोई कीड़ा नहीं है। अब हम इस पर जब इसकी पत्तियां सूख जाएंगी तो फिर हम इस पर नीम ऑयल से स्प्रे करेंगे, तो इस पर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं आएगा। इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल ऐसे लग रही हैं, चमकदार, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो रही थी लेकिन अब और भी अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर इंडोर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप पौधे को थोड़ा ध्यान से देखिए और चेक करिए। अगर उसमें जो भी प्रॉब्लम हो, आपको जो भी ऐसा लगता है कि ओवर वाटरिंग है या फिर किसी भी तरह का कीड़ा है, तो आप उसका इलाज करिए, ज़रूर वो प्लांट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम देने से बस। तो उम्मीद है मुझे आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।